हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत शेखर है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के रूप में कार्यरत हूं और आज DKT के प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ नेट JRF की तैयारी कैसे करें, वो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट में, उसकी बातचीत हम लोग आज करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, उसमें भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो ये होता है कि वाई, आपको वो क्यों करना है। दूसरा होता है व्हाट, ये एग्ज़ाम है क्या। और तीसरा हाउ, कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग वाई की बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम क्यों। ये एग्ज़ाम जब आप क्रैक करते हो तो पहली चीज़ तो ये होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा ये होता है कि आप जब किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी एरिया में जब आपको रिसर्च करना है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा जब आप नेट में एक अच्छे स्कोर पे आते हो तो आपको फिर JRF मिलता है। JRF का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलो। और जूनियर रिसर्च फेलो करने के बाद आप कभी भी जब किसी भी रिसर्च कोर्स में इनरोल होते हैं, MPhil तो अब स्क्रैप हो गया है, मतलब अगर आप PhD में इनरोल होते हैं तो आपको सरकार की तरफ से हर मंथ कुछ स्टाइपेंड आपको मिलता है। ये लगभग हमको 5 साल के लिए मिलता है और इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल के लिए होती है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका JRF जून 2024 में आपका हुआ है तो आप जून 2026 तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और जब आप इसको क्लेम करोगे उसके 5 वर्ष तक आपको ये स्टाइपेंड मिलता रहेगा। इसके अलावा जब आप JRF करते हैं तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो बच्चे नेट करते हैं और जो JRF करते हैं तो कभी भी इंटरव्यूज़ में JRF वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है रिसर्च के इंटरव्यूज़ में और जॉब के इंटरव्यूज़ में। उसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि ये जॉब क्यों चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके क्या होता है। हमारे मन में एक दुविधा होती है, हमारे मन में हम ये इस विचार के साथ इस प्रोफेशन में आते हैं कि इस प्रोफेशन में एक बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, इसमें हमको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रेस्ट मिलेगा। मैं आपको यह चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप आराम करने के लिए इस जॉब में आना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए नहीं बना है। आपको मैं बता दूँ, इस जॉब के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। जब आप इस जॉब को ज्वाइन करोगे तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला ये होता है कि आपको आपका टीचिंग है, दूसरा आपका होता है रिसर्च, और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स। जब भी आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को चुनेंगे तो आपको 3 चीज़ें किसी भी संस्था में रह करके करनी पड़ेगी, चाहे वो IIT हो, चाहे IIMs हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। पहला काम जो आपका प्राइमरली होता है वो होता है कि आपको टीचिंग करनी होगी। दूसरा होता है कि आपको रिसर्च असाइनमेंट्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर्स आपको लिखने होंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। और तीसरा होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ मिलती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके आपके संस्थान में बहुत सारी कमिटीज़ होती है, उसको उसके सर्विलेंस के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपको उसका चेयरमैन, डायरेक्टर, या फिर आपको उसका कन्वीनर, को कन्वीनर या मेम्बर बनाया जाएगा। तो अगर आपके मन में ये एक भ्रांति चल रही है कि इस जॉब में बहुत आराम है, बहुत पीस है, तो ऐसा नहीं है। इस जॉब में सेटिस्फैक्शन ज़रूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इस जॉब में बहुत आराम है, इस जॉब में भी रह करके आपको काम करना होगा। दूसरा ये होता है कि ये हमारे मन में एक दुविधा होती है कि पढ़ाना बहुत आसान होता है। हम जिस टाइम में अभी चल रहे हैं, जिस दौर में हम अभी चल रहे हैं, वहाँ पे आपको यह समझना होगा कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम टीचर्स, ओके। आपको अपने स्किल्स के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, आपको डे टू डे कंटेम्प्रेरी इशूज जो हैं, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो अगर आपको आपकी इच्छा ये है कि आप अपने जीवन भर आप एक स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, आपको सीखने में बहुत मज़ा आता है, आपको रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है, आप स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, किसी जर्नल्स के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, मिनिस्ट्रीज़ के साथ, थिंक टैंक के साथ अगर आप तालमेल बैठा सकते हैं, क्योंकि एक एकेडमिशियन से ये एक अपेक्षा होती है कि इनको इन जगहों पे काम करने का मौका मिलते रहता है, और गवर्नमेंट भी और जो थिंक टैंक हैं या जैसे भी मैंने अभी नाम लिए, वो सब भी चाहते हैं कि कोई भी एक अगर एक एकेडमिशियन है तो वो हम लोगों के साथ भी
कदम से कदम मिलाकर कर चले और हमारी मदद करता रहे। दूसरा ये होता है कि जब आपके मन में ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो दूसरी बात आती है कि कैसे बनना है। तो इसमें दो चरण होते हैं, एक तो ये होता है कि आपको नेट क्लियर करना होगा और दूसरा होता है कि आपको पीएचडी भी करना पड़ेगा। आज के जो नियम है, नियम के अनुसार ऐसा हो गया है कि आप मान करके चलो कि अगर कहीं पे पीएचडी कंपलसरी नहीं भी है तो आने वाले समय में वहाँ पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा। जो न्यू रूल्स आ रहे हैं रिक्रूटमेंट के, जो 1:40 वाला रूल है, मतलब अगर कहीं पे भी एक सीट होगी तो वहाँ पे टॉप 40 लोगों को बुलाया जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर आप पीएचडी करके आएंगे तभी आपके स्कोर अच्छे होंगे और तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। तो आपको ये दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर आपको लगता है कि ये दो चीज़ आप कर पाओगे और आपको करना चाहिए तभी आप इस प्रोफेशन में आओ। जब हम नेट की बात करते हैं तो नेट की जो प्रिपरेशन है वो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने की स्टडी से संभव है। ये इतना मुश्किल एग्जाम भी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जो हमारे 10 यूनिट्स पेपर 2 के हैं और 10 यूनिट्स पेपर 1 के हैं, आपको इसमें प्रॉपर समय देना होगा। और मेरा यह मानना है कि अगर आप 25 से 30 घंटे एक यूनिट को देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और प्लस मेरा ये मानना है कि आप मल्टीपल रिविजन्स करते रहो। तो जैसे कि कॉमर्स के अंदर 10 यूनिट्स हैं और पेपर 1 के भी हमारे 10 यूनिट्स हैं, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप दिन का 3 से 4 घंटा पेपर 2 को दो। और आप पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर 1 को इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि आपका नेट हो जाए बट JRF नहीं हो पाएगा। तो हम तो ये मान करके चलते हैं कि हमारा JRF ही होना चाहिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 को आप इक्वल वेटेज नहीं भी दें तो कम से कम आप 60-40 का रेशियो जरूर रखें। और कोशिश ये करें कि आप 3 से 4 महीने लग करके सारे सिलेबस की जो जितनी भी यूनिट्स हैं उसको पढ़ लें। इसके लिए जो आपने MCOM में जो किताबें पढ़ी हैं, BCOM में जो किताबें आपने पढ़ी हैं, वो सफिशियंट हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। प्रीवियस ईयर पेपर्स PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रिपरेशन। एंड जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप, तो आप फुल लेंथ मॉक, कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक्स आप जरूर लगाएं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि हम ये सोचते हैं कि जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे, ऐसी भूल आप ना करें। आपको लगता है कि आपने एक पेपर एक यूनिट में एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने कर लिया है, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करने स्टार्ट करो, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत तैयारी कर लेते हैं बट जब वो कंप्यूटर का स्क्रीन देखते हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आता है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो लर्निंग इज वन थिंग, रीडिंग इज वन थिंग, प्रेपरेशन इज वन थिंग, बट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक will add more values to your preparation. तो आपको ये करना है कि आपको सारे सिलेबस को पढ़ना ही पढ़ना है। एक तो आप पूरी सिलेबस को याद कर लीजिए, आप 1 से 2 दिन लो, आप पूरी सिलेबस को याद कर लो, और उसके बाद आप क्या करो, नोट्स बनाते रहो। यूनिट वाइज आप नोट्स बनाओ और आप खुद के भी क्वेश्चंस फ्रेम करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ, मार्केटिंग में मान लीजिए कि आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा, तो आप ये करो कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या क्वेश्चन आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हो, इस बात का भी ध्यान रखो। आपको जो मटेरियल मिलते हैं कोचिंग से या फिर मार्केट में वो तो है ही, आप कोशिश ये भी करो कि आप अपने खुद का भी क्वेश्चन फ्रेम करो। जब आप खुद का क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो आपकी जो इंक्यूजिटिवनेस है ना वो हाई होगी, एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट इंक्यूजिटिवनेस। तो आप जब इंक्वायरी करोगे, जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी की है, आप खुद से इंक्वायरी करोगे कि व्हाई, हाउ एंड व्हाट, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो जब आप नोट्स बनाते हैं किसी भी यूनिट का, तो आप कोशिश ये करें कि आप उसके फुट नोट्स पे या साइड में जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी लिखते रहें। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं या फिर फुल लेंथ मॉक या फिर सेक्शनल मॉक सॉल्व करते हैं, तो एक क्वेश्चन के 4 या 5 विकल्प होते हैं,
बट उसमें एक आपका सही होता है और चार गलत होते हैं। तो आप कोशिश ये भी करो कि जो चार गलत हो गए हैं या फिर जो चार प्रोबेबल आंसर्स नहीं हैं उनके क्या रीजंस हैं कि वो प्रोबेबल आंसर्स नहीं हैं। तो होगा क्या कि जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पांच टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा हमको ये भी देखना है कि जब हम फुल लेंथ मॉक या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या वैसे भी जब हम किसी भी चैनल पे या पोर्टल पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मेन एग्जाम में भी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो लैंग्वेज का बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आप देखोगे कि कहीं पे इफ प्रीफिक्स होता है, व्हाइल प्रीफिक्स होता है, लाइकवाइज प्रीफिक्स होता है, कई बार क्वेश्चंस के बीच में नॉट या नो जैसे शब्द यूज किए जाते हैं, तो उससे हमारा आंसर बिल्कुल अलग हो सकता है जिसका ध्यान हम कई बार देना भूल जाते हैं। तो जब आप तैयारी करोगे तो तैयारी के दौरान जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके एग्जाम में बैठोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए इस तैयारी में जो आप पढ़ते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर मान लीजिए कि आप चार घंटे नेट के लिए डेली पढ़ते हैं तो आप आधा घंटा अंत में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए और आधा घंटा रिवीजन के लिए जरूर रखें। तो जैसे मान लो कि आपका 100% को अगर मैं डिवाइड करूं तो आपका 80% ऑफ द टाइम आपके स्टडी में जाना चाहिए, रीडिंग में जाना चाहिए, और 20% जो है आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस में और आपका रिवीजन में जाना चाहिए। ये मैं बातें पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए दोनों के लिए कह रहा हूं। और इसके अलावा क्या है कि आप कई बार इन एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि कई बार डिमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशंस भी हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपकी जो एक हॉबी है आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें। एक हॉबी अगर नहीं है तो आप उसको बना लें और जब एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या करना है कि आपको आधे घंटे या 40 मिनट अपने हॉबीज पे भी ध्यान रखना है। इससे आप क्या होते हैं कि आप रिजुबनेट होते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं और फिर आपको पढ़ने में मन लगता है। मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि वाई हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस जॉब को आपको क्यों चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है ना तो आपको क्यों करना है और किस लिए करना है और कैसे करना है इसके सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यंग कॉम्पिटेंट लोगों के साथ रहना चाहते हो, आप स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि आप थ्रू आउट योर लाइफ यू वॉन्ट टू बी यंग विथ योर स्टूडेंट्स, यू वॉन्ट टू अपडेट योर सेल्फ विथ न्यू एवेन्यूज इन लाइफ, न्यू थिंग्स इन विच इज कमिंग इन द मार्केट, तो आपको इस जॉब में आना चाहिए। ऑब्वियसली आई वुड से दैट दिस जॉब इज पीसफुल, सेटिस्फैक्ट्री, बट एट द सेम टाइम इफ यू से दैट दिस जॉब डजंट डिमांड एनीथिंग तो यू आर मिस्टेकन। इस जॉब की अपनी एक डिमांड है जो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे विचार अगर आपके मन में क्लियर है तो आप बेशक इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि वाई पे मैंने चर्चा की, व्हाट पे भी मैंने लगभग आपकी आपको समझाया कि क्या करना है और हाउ पे भी समझाया। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम से आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपका जेआरएफ स्कोर आ जाता है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और आईआईएम्स में, आईआईटीज़ में भी जेआरएफ स्कोर कंसिडर किए जाते हैं। तो आप इट्स नेट एंड जेआरएफ के एग्ज़ाम का ये फ़ायदा होता है कि आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए तो एलिजिबल बनाता ही है, इसके अलावा आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैंने बताया आईआईटी, आईआईएम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और दुनिया और भारत के अंदर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल बना देता है। और जो तीसरा फ़ायदा मैंने आपको बताया कि इससे आपके अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जब आप रिसर्च के डिग्री में इनरोल होते हैं, पीएचडी करते हैं। जो रिसर्च का अमाउंट है वो मेरे ख्याल से अभी 40 से 45,000 महीने के बीच में आपको मिलता है। इसके अलावा आपको 1 से 1.5 लाख का कॉन्टीजेंसी ग्रांट भी एक साल में मिलता है। कॉन्टीजेंसी ग्रांट का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे भी स्टेशनरी का यूज़ करते हैं अपने रिसर्च के दौरान, आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग का यूज़ करते हैं, आपने कोई कोर्स इनरोल किया है, आप कहीं पे कॉन्फ्रेंस के लिए आप जाते हैं तो उसका ट्रैवलिंग, लॉजिंग, ये सारी चीज़ें कॉन्टीजेंसी ग्रांट के अंदर आती है। तो कुल मिलाकर के आप
आप अपने वाई को क्लियर करो कि आपको क्यों आना है इस करियर में, और इस करियर में आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना होगा, रिसर्च करना होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स को भी करना होगा। इसके अलावा आपको जैसा मैंने बताया कि पीएचडी जहां पे अभी कंपलसरी नहीं भी है वहां पे भी पीएचडी अभी कंपलसरी हो जाएगी, तो आप ये बात मान करके चलो कि अगर आप इस करियर में आ रहे हो तो आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। दूसरा ये कि आपको आपको अपने सिलेबस को पूरा याद करना पड़ेगा, और सिलेबस के साथ साथ आपको हर यूनिट पे ध्यान देना होगा, हर यूनिट के नोट्स बनाने होंगे। इसके अलावा आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप पेपर वन को स्किप नहीं कर सकते हो। पेपर वन, पेपर टू, आर दीज टू पेपर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपका मन पेपर वन में बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है फिर भी उसको आप करने का प्रयास करो। आप ये मान करके चलो कि अगर आप 60% फोकस आपका पेपर टू पे है तो 40% पेपर वन पे आप जरूर रखो। आप हमेशा कभी ऐसी गलती मत करना कि आपने 90% फोकस आपने पेपर टू पे किया और सिर्फ 10% फोकस आपने पेपर वन पे किया। जब मैं 90-10 और 60-40 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि जो आपको समय मिला है उसका डिविजन। मैंने ये नहीं कहा कि आप कॉमर्स की पढ़ाई 60% फोकस के साथ करो या फिर पेपर वन की पढ़ाई 40% फोकस के साथ करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना टाइम आपको मिला हुआ है उसमें आप ऐसा करो कि आप 50-50 डिवाइड करो, आइडियल यही होगा। बट अगर आपका कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो 60% टाइम आप कॉमर्स को डिवोट करो विथ 100% अटेंशन, और 40% टाइम आप पेपर वन को डिवोट करो विथ 100% अटेंशन। आप जहां पे भी फोकस कर रहे हैं वहां पे आपको 100% अटेंशन देना होगा, चाहे पेपर वन हो पेपर टू। एक चीज और, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा नेट या जेआरएफ हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 80% क्वेश्चंस विद 90% एक्यूरेसी सॉल्व करेंगे तो आपका जेआरएफ पेपर क्लियर हो जाएगा। मैंने ये बताया कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अगर आप 80% क्वेश्चंस 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, और सॉल्व करने के साथ साथ आपको उस क्वेश्चंस को सही भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि अब क्या है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों मिक्स कर दिए गए हैं। कुछ समय पहले ऐसा होता था कि पेपर वन के लिए आपको अलग समय मिलता था, फिर ब्रेक मिलता था और फिर पेपर टू स्टार्ट होता था। लेकिन अब क्या है कि आप पेपर वन और पेपर टू में, अगर मान लीजिए कि आपको पेपर टू के कुछ क्वेश्चंस अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो टाइम आप पेपर वन को डिवोट करके आप पेपर वन को सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज अप टू यू कि आपका कौन सा पोर्शन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आप उसी प्रकार से आप उसको फोकस कर सकते हो। दोस्तों आप सबके प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ बुक लिस्ट भी सजेस्ट कर सकता हूँ, बट आप जिस बुक लिस्ट के साथ, जिस मटेरियल के साथ कंफर्टेबल है आप उसको यूज करें एंड यू स्टिक टू दैट मटेरियल। आप ऐसा नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं तो ये मटेरियल ही सही होगा और जो आप पढ़ रहे हैं वो गलत होगा। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उस मटेरियल को यूज कीजिए, लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मटेरियल मैंने चुना है तो आप उसको एक दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पढ़ने के बाद आप उसको बदलो मत। मैं आपको कुछ अपनी जो मैंने बुक्स रेफर की थी और जो मुझे बुक्स लगती है कि आपको भी रेफर करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैंने ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक रेफर करी थी। उसके अलावा अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के लिए 11th-12th की टेक्स्ट बुक फॉर बेसिक्स RS अग्रवाल और TS अग्रवाल भी आप प्रेफर कर सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग महेश्वरी एंड मित्तल, और कुछ मैंने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए इंटरनेट की भी मदद ली थी। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, ये सब आप इंटरनेट से भी यूज कर पढ़ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डॉक्टर दीपाश्री, फाइनेंशियल मैनेजमेंट IM पांडे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स JK ठाकुर, रिसर्च मैथड CR कोठारी, बिजनेस मैनेजमेंट CP गुप्ता, HRM VSP राव, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेट एंड बैंकिंग नोट्स, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से किया था। मार्केटिंग फिलिप कॉटलर, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मित्तल, इनकम टैक्स गिरीश आहूजा, कॉरपोरेट टैक्स निखिल गुप्ता,
जेसी गुप्ता एंड निखिल गुप्ता, एंड मैंने आर गुप्ता के और अरिहंत के पास्ट ईयर के पेपर्स और कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके आई एम थैंकफुल टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम टिप्स विद द नेट जारिफ स्टूडेंट्स।